श्री गंगानगर जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सारण ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष को कार्यकारिणी भंग करने के लिए लिखा पत्र। प्रेस वार्ता कर संतोष सारण ने मीडिया के सामने दी जानकारी। वही NSUI जिला अध्यक्ष मोहित भाकर, NSUI प्रदेश महासचिव सुरेंद्र चौटिया, कांग्रेस जिला महासचिव श्यामलाल शेखावटी, NSUI महासचिव करण सारण ने महासचिव पद से दिया इस्तीफा। सारण ने कहा, कांग्रेस की सरकार में कार्यकर्ताओं को नहीं मिला सम्मान। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का नहीं हुआ सम्मान तो हम भी नहीं रह सकते। 2014 से 2018 माननीय सचिन जी पायलट साहब ने इस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी, नेतृत्व दिया कांग्रेस पार्टी को, हम लोग उनके विरुद्ध में जो गलत नीतियों के उनके विरुद्ध में जितने भी धरना प्रदर्शन उस पर आप सब लोग हमारी एक्टिविटीज के आप गवा रहे हैं, आज इस स्थिति के अंदर पायलट साहब ने जो मेहनत की और 21 लोग जो है कांग्रेस पार्टी के राज में कांग्रेस के मैनेज थे वो आप मानो पे एक मेजोरिटी के अंदर ला करके आपको बढ़े अमित सिपाही रहे हैं, आप सब लोगों की काफ़ी आप परिवार रहे हैं, मेहनत की लोगों का ध्यान बना पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हुआ और एक सरकार बनी कांग्रेस की राजस्थान के अंदर में जो आज आज स्थिति बनी हुई कांग्रेस के मूल्य आधारित पर राजनीति करती रही है, हमेशा सिद्धांतों की राजनीति करती रही है, उनका हनन किया जा रहा है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी का जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं देने की जो है वो व्यवस्था की गई है। राजनीति पे सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, विपक्ष बने थे जो आंदोलन धरना प्रदर्शन किए, उन समस्याओं की तरफ जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी मैंने सैकड़ों बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबसे जी पहले साहब को संबंधित जो है वो सभी लोगों को मैंने लिखे भेजा, लेकिन सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी सतीश जी ने सरकार के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवजी होगा, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को मजदूर को व्यापारी को जो राहत मिलनी चाहिए थी उसकी अपेक्षा जो हम रखते थे उस पर हमारी निगाह में कार्यकर्ताओं की निगाह में जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को टेलीफोन आए कि आप इसके लिए क्या पार्टी का जो सिलेबस बना रखा है उसको बताओ, हमारी सरकार बनी है, सरकार बनी है तो हमें काम करने का एक उचित सम्मान मिलेगा। वो कार्यकर्ता को सम्मान नहीं है,